हिंदू युवा वाहिनी के तत्वाधान में हर एक घर तुलसी और एक पौधा सहजन एवं भूमि सुपोषण अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन भटहट स्थित एक स्कूल में किया गया, जिसमें कुपोषण से मुक्ति देने वाले पौधे सहजन और औषधीय पौधा तुलसी के महत्व पर चर्चा की गई तथा उपस्थित लोगों को कुपोषण दूर कराने के लिए शपथ भी दिलाया गया, जिसके संबंध में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री और कार्यक्रम के संयोजक इंजीनियर पीके मल ने बताया कि कार्यक्रम में किसानों के खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ कुपोषण दूर करने वाले पौधों के प्रयोग पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कुपोषण को दूर करने के लिए सहजन का वृक्ष बहुत ही लाभकारी है, इसके फल पत्ती सभी कारगर साबित हुए हैं। इसके अलावा तुलसी का पौधा आध्यात्मिक पौधे के साथ औषधि पौधा भी है, इसके उपयोग से कई बीमारियों का इलाज हो सकता है। इस अवसर पर डॉक्टर गजेंद्रनाथ मिश्र, कपिलपति त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल ने कहा, सहजन की पत्तियां जमीन में जाती हैं तो सबसे बड़ा खाद, अच्छा खाद इसकी पत्तियों से बनता है। बाकी तो ठीक है, गोबर वगैरह है, लेकिन सब मिला के इसमें इतना न्यूट्रिशन होता है, खाद बहुत अच्छा बनता है। तो इसी में पर्यावरण सैनिक का एक संकल्प हम लोग दिलाएंगे। मैं बोलूँगा एक बार बताएंगे उसको, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, मैं मानवता के हित में, मानव जीवन की रक्षा के लिए, प्यारी धरती माता के संरक्षण और पुनर्स्थापित करने की शपथ लेता हूँ। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को रोकने की कोशिश करूँगा जो पर्यावरण के खिलाफ काम करता है और धरती माँ की संतुलन को नुकसान पहुँचाता है। मैं भावी पीढ़ी के लिए रहने योग्य ग्रह सुनिश्चित करने हेतु अपने आप को समर्पित करता हूँ। भूमि सुपोषण अभियान और हर घर एक पौधा तुलसी एक पौधा सहजन, इस अभियान के तहत आज हम लोगों ने भटहट ब्लॉक के जैनपुर में एक कार्यक्रम किया है अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ में। सहजन का इस क्षेत्र में कुपोषण को दूर भगाने का बहुत बड़ा महत्व है। सहजन में अनेक औषधीय गुण के साथ में पौष्टिकता से भरा हुआ है और इस क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे जिनका शारीरिक और मानसिक विकास कुपोषण के कारण से रुका रहता है, उस कुपोषण को दूर भगाने में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं कि सहजन का पौधा हर घर में लगे, सहजन के फल के साथ सहजन के पत्तियों का लोग उपयोग करें, क्योंकि विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन, कैल्शियम, पोटासियम से भरपूर सहजन का पौधा कुपोषण को भगाने का एक बहुत बड़ा हथियार है। तुलसी जी का तो विशेष महत्व है और हम हर घर में तुलसी जी का पौधा हम लोग पूजा के रूप में रखते हैं और सुबह सुबह उसमें जल भी चढ़ाते हैं, तो इसका पौराणिक महत्व, धार्मिक महत्व के साथ में औषधीय महत्व है। और कोरोना काल में तो इसका विशेष महत्व लोगों ने समझा क्योंकि काढ़े में तुलसी जी का पत्ता यूज़ करते रहे हैं और इस औषधीय गुण और इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण से हर घर एक पौधा तुलसी एक पौधा सहजन अभियान में तुलसी जी का भी पौधारोपण हम लोग कर रहे हैं। तो शपथ भी दिलाएं क्या आज के दिन? हाँ जी हाँ, हम लोग इस, चूँकि पौधारोपण एक पर्यावरण को सुरक्षित करने का, पर्यावरण को अच्छा बनाने का एक संकल्प है, तो हम लोगों ने सभी को स्वच्छ पर्यावरण के लिए एक संकल्प भी दिलाया है और लोग उसमें जुड़ रहे हैं इस अभियान में, स्वच्छ पर्यावरण करने के लिए, स्वस्थ शरीर बनाने के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क बनाने के लिए इस अभियान में सब लोग जुड़ रहे हैं और इस क्षेत्र को कुपोषण से मुक्त हम लोगों को कराना है।